CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। पाठ 9, कबीर की साखियां, पृष्ठ 48। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। माला तो कर मैं फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहूं दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीर घास न नींदी, जो पाऊं तली होई, उड़ पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। संत सुधासार, संकलन वियोगी हरि। पृष्ठ 49, प्रश्न अभ्यास। पाठ से। एक, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। दो, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। तीन, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। चार, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं, यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। पाठ से आगे। एक, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? दो, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट करें। तीन, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं, पर एक समान विचार नहीं रखते, सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपर्युक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। चार, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, ज्ञात कीजिए। पृष्ठ 50, भाषा की बात। बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है, जैसे वाणी शब्द बानी बन जाता है, मन से मनवा, मनुआ आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। ज्ञान, जीभी, पाऊं, तली, आँखी, बरी। शब्दार्थ, ज्ञान, जानकारी, म्यान, तलवार रखने का कोश, गारी, गाली अपशब्द, कर, हाथ, दहूं, दस, दिसी, दिशा, सुमिरन। ईश्वर के नाम का जप भक्ति का एक प्रकार, स्मरण, दुहेली, दुख, दुख में पड़ा हुआ, कष्ट साध्य, बैरी, दुश्मन, आपा, अहम। अभी आप सुन रहे थे पाठ 9, कबीर की साखियां, प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।